हेलो बच्चों, आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको चैप्टर वन का सारा क्वेश्चन आंसर कृतिका किताब में से। तो क्लास नाइन्थ हिंदी कृतिका किताब में से चैप्टर वन का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस चैप्टर का मैं सारा क्वेश्चन आंसर दिखाने वाला हूँ, मतलब भी प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न और एंड तक दिखाने वाला हूँ। एक से लेके 13 है या 14 सारे क्वेश्चन आंसर दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और चैप्टर का नाम है इस जल प्रलय में। तो इस चैप्टर का मैं सारा क्वेश्चन आंसर दिखाने वाला हूँ, तो एंड तक जरूर देखना। और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। और पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, और ये यहाँ से शुरू होता है पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न का नीचे उत्तर देख सकते हो। आप वीडियो रोक के आप होमवर्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रश्न अभ्यास सारा दिखाने वाला हूँ मैं, एंड सारे एक को एक। वीडियो एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना मत भूलना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो, वो भी होमवर्क कर सके। और कमेंट करो और कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए, इसके आगे वाले चैप्टर के चाहिए या नहीं चाहिए, मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। और लाइक कर देना, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और लाइक नहीं किया लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को शेयर करना। और पहला प्रश्न कर लिया आपने, फिर चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। और ये आ चुका है दूसरा प्रश्न, और ये भी आप वीडियो रोके कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए, या फिर आपको ये वीडियो कैसी लगी, और या फिर आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो। और कमेंट तो करना ही पड़ेगा दोस्तों, कैसा भी कमेंट करो कमेंट करो। और कोई सी भी क्लासों में, सारे क्लासों के मैं क्वेश्चन आंसर डालता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ आप कमेंट करो कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए। ये तो क्लास नाइन्थ कृतिका किताब में से चैप्टर वन का है क्वेश्चन आंसर। और ये फिर आ गया तीसरा प्रश्न, और ये भी आप देख सकते हो, आप बुक में सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगी और आंसर मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। ये आंसर देखने के लिए ही है चैनल, चाहे आप कमेंट करो ना, 1-2 घंटे में आपके लिए वीडियो आ जाएगा इस चैनल पर, बहुत एक्टिव चैनल है इसलिए बोल रहा हूँ। और फिर चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। वीडियो रोके आप कर लेना होमवर्क का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो रोके होमवर्क कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये चौथा प्रश्न कर लिया, फिर चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। ये पांचवा प्रश्न आ चुका है, और दोस्तों ऐसे मेरे जैसे कोई भी नहीं दिखाएगी इसलिए बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लो, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल है। मेरे जैसे कोई भी नहीं दिखाएगा आपको। फिर चलते हैं छठे प्रश्न की ओर, और फिर आ चुका है छठा प्रश्न। और छठा प्रश्न और क्वेश्चन एकदम, मतलब कि प्रश्न आपको एकदम सेम टू सेम मिलेंगे, आंसर मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और इस कृतिका किताब में, हिंदी में कृतिका किताब में ज़्यादा बड़ा नहीं है आंसर, छोटे छोटे ही है, किताब ऐसी बनाई हुई है, छोटे छोटे आंसर है। और 2024 में सारे सिलेबस के मैं क्वेश्चन आंसर डालने वाला हूँ, आपको पासबुक लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। आप कमेंट करते ही मैं आपके लिए वीडियो डाल दूंगा, या फिर मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाऊँ या मत बनाऊँ, आप जरूर मेरे को कमेंट करना, मतलब कि ग्रुप बनाएंगे अपने का, और आप कमेंट करते ही मैं आंसर बना दूंगा उस चैनल क्वेश्चन आंसर का। और ये सातवां प्रश्न कर लिया, फिर आता है आठवां प्रश्न। और आठवा कर लिया है, आप वीडियो रोक के कर देना। फिर आता नवा, फिर चलते हैं हम दसवें प्रश्न की ओर। यह दसवा आ चुका है, और ये भी आप वीडियो रोक के कर लेना। और दोस्तों जरूर बताना व्हाट्सएप पर, मैं ग्रुप बनाऊँ या मत बनाऊँ, आप 2024 का न्यू सिलेबस का मैं सारा क्वेश्चन आंसर डालने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ग्रुप बनाऊँ या मत बनाऊँ, आप ग्रुप में जुड़ जाना, मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा, ये बोल रहा हूँ मैं। फिर आता है 11वां प्रश्न, और 11वें प्रश्न का नीचे उत्तर देख सकते हो आप। फिर चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर, ये 12वां प्रश्न आ चुका है। और दोस्तों प्लीज़ ग्रुप के बारे में आपको ज़रूर बताना कमेंट में, सर बनाओ ग्रुप में ज्वाइन, हम ज्वाइन हो जाएंगे, तो मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा। और आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आपको सारे क्वेश्चन आंसर मैं दिखाने वाला हूँ, चाहे कोई सी भी क्लास हो, सारे क्लासों के मैं क्वेश्चन आंसर दिखाने वाला हूँ। आप ग्रुप में मैसेज करोगे ना, मेरे को पता चल जाएगा। फिर आता है लास्ट प्रश्न है 13वां, और 13वां आप कर लीजिए वीडियो रोके। और ये कृतिका किताब का पहले चैप्टर का मैंने सारा क्वेश्चन आंसर बता दिया आपको, मतलब कि दिखा दिया है। और दूसरे चैप्टर का चाहिए या नहीं चाहिए मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और तीसरे चैप्टर का भी आपको चाहिए या नहीं चाहिए मेरे को जरूर बताना, और कमेंट में
आप मेरे को कुछ भी मैसेज कर सकते हो, या फिर मैं ग्रुप बनाऊँ या मत बनाऊँ, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, और आप मेरे चैनल के अंदर जाके सब्सक्राइब करके उसके नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करके फॉलो कर सकते हो, या फिर अबाउट सेक्शन में जाके फॉलो कर सकते हो। और वीडियो कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताना, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।